अनाज मंडियों में सरसों की सरकारी खरीद 26 मार्च और गेहूं की सरकारी खरीद 1 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। अधिकारियों को खरीद सीजन शुरू होने से पहले किसानों के लिए स्वच्छ पेयजल, मंडी की सफाई, सड़कों की मरम्मत, शौचालय और प्रकाश की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन सुविधाएं बढ़ाने का कार्य कागजों तक ही सीमित रहे। मंडी में जगह जगह कचरा फैला हुआ है, मंडी में कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है। हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है, वो देखिए। सोनीपत की अनाज मंडी में पिछले दिनों सरसों की सरकारी खरीद शुरू हुई और अब दो दिन से गेहूं की खरीद भी शुरू हुई है, लेकिन मंडी में अनाज अभी तक नहीं पहुंचा है। लेकिन मंडी में प्रशासन द्वारा जो दावे किए गए थे वो धरातल पर पूरी तरह से ध्वस्त नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं, ये सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मंडी प्रशासन द्वारा जो टंकी रखी गई है और यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था मंडी के अलग अलग हिस्सों में की गई है, लेकिन ये तस्वीर आप देख लीजिए कि ऊपर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि 25 तीन 2022 को इसको साफ किया गया था और उसके बाद अब तक इसको दोबारा साफ नहीं किया गया है। और उसके बाद की ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि यहाँ पर धरातल पर यहाँ पर गंदगी का अंबार है, स्वच्छता को भी पलीता लग रहा है। दूसरी तरफ ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ना पानी आता है और ना ही कोई कनेक्शन है, यानी कि जो दावे हैं टूटियां टूटी हुई हैं और हालात इतने बदतर हैं कि यहाँ पर अगर किसान भाई आते हैं तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। और खास तौर पर जो वाटर कूलर संस्था के लोगों द्वारा लगाए गए हैं उनकी भी सफाई नहीं है, लेकिन ये टंकी आप देखिए ये यहाँ पर मंडी प्रशासन द्वारा लगाई गई है और अंदर देख सकते हैं कि यहाँ कनेक्शन भी नहीं हो रखे हैं। हालात ये हैं कि मंडी प्रशासन द्वारा जो दावे किए गए वो कहीं ना कहीं ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। और खास तौर पर ये देख सकते हैं कि तस्वीरें कि टंकी को साफ किया गया 2022 में, उसके बाद यहाँ पर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया। हालांकि मंडी में यह बनाई गई है और सामने भी ये तस्वीर देख सकते हैं किस प्रकार गंदगी का अंबार लगा हुआ है और जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छता अभियान को बुलंद करने के लिए एक अपील की जाती है और ऐसे में जो है सोनीपत में गंदगी का अंबार मंडी में लगा हुआ है। एक तरफ जहां पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था नहीं है और यहीं पर डंपिंग प्वाइंट बनाया गया है। तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि साफ सफाई का कोई भी ध्यान मंडी में नहीं रखा जा रहा है। ऐसे में जहां मंडी प्रशासन द्वारा दावे किए जा रहे थे कि सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, लेकिन अगर बात करें तो मंडी का सेट भी जगह जगह से टूटा हुआ है। अगर बारिश आती है तो सेट से भी पानी टपकता है, यानी कि सोनीपत की अनाज मंडी में समस्याओं का अंबार है। और ऐसे में जहां मंडी प्रशासन दावे करता है कि सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, ऐसे में कहीं न कहीं सोनीपत की अनाज मंडी सफेद हाथी नजर आ रही है। सोनीपत से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए राम सिंह।